हेलो नमस्कार, पहला अक्षिमन्या, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हो उत्तराखंड फैमिली यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आचार संहिता के बारे में। बेसिकली आज से आचार संहिता लागू हो गई है, एक बहुत बड़ा अपडेट है उत्तराखंड सरकार के लिए, उत्तराखंड की पब्लिक के लिए और यहाँ के लोक जनमानस के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर आचार संहिता आज 8 जनवरी है और आज लागू हो गई है। मैंने 1 जनवरी को वीडियो बनाया था कि 5 से 8 या 10 जनवरी के बीच में आचार संहिता लागू कर दी जाएगी उत्तराखंड में, और वैसा ही हुआ। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आचार संहिता लगने के बाद यहाँ पे चुनाव आयोग ने किन किन फैसलों पे निर्णय लिया है और कौन कौन से फैसले लिए हैं जो सरकार को नहीं करना, जो जनमानस को नहीं करना, और क्या क्या पाबंदियाँ यहाँ पे हैं, और इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, कितने यहाँ पे वोटर्स नए जुड़े हैं या कितने बूथ को यहाँ पे ऐड किया गया है, कितना खर्चा यहाँ पे आचार संहिता लगने के बाद पार्टियों को यहाँ पे प्रचार करने के लिए दिया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से, ये सारा हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो उत्तराखंड के इस विधानसभा चुनाव में यहाँ पे आचार संहिता 8 जनवरी 2022 को लागू कर दी गई है और यहीं से डिसाइड कर दिया गया है कि चुनाव की तारीख क्या है। तो चुनाव की तारीख को 14 फरवरी रखा गया, हालांकि वैलेंटाइन डे के दिन ये तारीख को रखा गया, बट 14 तारीख से यहाँ पे चुनाव शुरू हो जाएंगे और जो इसका नतीजा है वो 10 मार्च 2022 को आप सभी के सामने आएगा। उत्तराखंड के उम्मीदवारों को यहाँ पे ऑनलाइन नामांकन की बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है, वैकल्पिक सुविधा है ये, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। ये सुविधा लेने के लिए आपको 21 से 28 जनवरी के बीच नामांकन करना होगा, और अगर आप इस सुविधा का नामांकन कर देते हैं और अगर आप वापस लेना चाहते हैं इन फ्यूचर में, तो आप यहाँ पे तो आप 31 जनवरी से पहले यहाँ पे इस नामांकन को वापस भी ले सकते हैं। ये एक वैकल्पिक सुविधा है, आप चाहे तो बूथ कैंप पे जाके भी यहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको ऑनलाइन सुविधा भी दी जा रही है। चुनाव और कोविड को देखते हुए यहाँ पे चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि आप 15 जनवरी तक कोई भी आप प्रचार नहीं कर सकते, किसी भी तरीके की आप रैली नहीं कर सकते, और आप किसी भी तरीके की चाहे वो बाइक रैली हो या फिर किसी भी तरीके की पैदल यात्रा हो, वो आप यहाँ पे इस दौरान 15 जनवरी तक तो नहीं कर सकते। किसी भी तरह के कैंपेन को करने के लिए आपको कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा, उसका पालन करना होगा, और यदि आप घर घर जाकर किसी भी तरीके का प्रचार या प्रसार करना चाहते हैं अपनी पार्टी का, तो आप 5 लोगों से ज़्यादा अलाउड नहीं हैं किसी भी सार्वजनिक के घर जाने के लिए। यदि आपकी पार्टी जीत जाती है या कोई भी पार्टी उत्तराखंड में जीत जाती है, तो उसको जीत के बाद जुलूस की रैली करने की अनुमति नहीं है। अब बात करते हैं प्रदेश में कितने मतदाता अभी हैं और कितने नए जोड़े गए हैं। तो बात करते हैं हमारे उत्तराखंड के कुल मतदाताओं की, तो यहाँ पर 81,43,922 मतदाताओं की संख्या है, जिसमें लगभग 42,24,000 पुरुष व 39,19,000 महिलाएं मतदाता हैं। उत्तराखंड के इस बार विधानसभा चुनाव में 2,97,000 यानी कि लगभग 3 लाख नए वोटरों को शामिल किया गया है। अब हो सकता है कि इनका पहले वोटर कार्ड ना हो, या हो सकता है ये अभी नए वोटर जुड़े हो, तो ये कुल मिला के लगभग 2,97,000 की संख्या है। उत्तराखंड में मतदाताओं के लिए 11,647 बूथ कैंपों का जुगाड़ किया गया है या इन्हें स्थापित किया गया है, जिसमें से 635 नए बूथों को यहां पे जोड़ा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा से पार्टियों की खास बातचीत में ये बात निकल के आई है कि उन्होंने विधानसभा चुनावों के खर्च को बढ़ाने की कोशिश की थी और उनसे बातचीत की थी इस बारे में, और इस बातचीत का हल ये निकला कि सुशील चंद्रा ने 2014 में हुए चुनावों में जो विधानसभा की खर्च करने की लागत थी वो 28 लाख थी, उसको बदल कर 2022 में 40 लाख कर दिया। तो यहाँ पे पार्टियों को काफ़ी सुविधा हुई है, हो सकता है इन फ्यूचर ये और बढ़े जैसे जैसे चुनाव आगे होते हैं, और काफ़ी हद तक चुनाव आयोग है जो बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पे पार्टियों को दे रहा है उनके प्रचार व प्रसार करने के लिए। अब डिपेंड ये करता है कि उत्तराखंड की सरकार को लाने का जो जिम्मा है उत्तराखंड की जनता का, वो वह किस तरीके से समझती है। तो आप किस पार्टी को इस बार वोट कर रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, भले ही ये कॉन्फिडेंशियल हो, बट यहाँ पे आप अपने सुझाव जरूर कमेंट में लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शिमन्या।